दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अमृतसर के हलका अटारी में कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणिके की अगुवाई में संगत दर्शन करने अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की कई समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निपटारा किया। वे अन्य समस्याओं की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के लिए आदेश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदी इलाके में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी और जो लोग सरहद के पार खेती करने जाते हैं उन्हें प्रति एकड़ 3,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर गुरिंदर पाल सिंह लाली रणिके, एसएसपी जसप्रीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर रजत भगत, लाली गिल, अमनदीप सिंह, सोनू सोडी, जसबीर सिंह आदि लोग भी मौजूद थे। असी फैसले कीते हैं कुछ ता। एक तय फैसला है कि जेड़े तार तो अगे लोग खेती करते हैं उन्होंने 3,000 रुपया एकड़ ग्रांट देने हर साल ताकि उन्होंने वो कंपनसेशन हो सके क्योंकि तारा तो अगे जेड़ी खेती है बड़ी। एक ये भी करता कि बार्डर पट्टी च कोई भी घर है किन्नी दूर है उन्हों 24 घंटे बिजली मिलती है और आज इसे करके इतने आए हैं कि जो उन्होंने तकलीफा एक एक सुन के उन्होंने वो मदद की।